मुझे अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। हालांकि बहुत ही मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वो काफ़ी पिछड़ी हुई समाज है, और जिसे महादलित समाज भी कहा जाता है। मतलब कि एक मध्यम स्कूल होता हुआ करता था, तो मैं यहीं पढ़ा करता था, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मैं पढ़ा करता था। क्या सोचेगा कि एक गरीब का बच्चा इतना ऊंचाई पर जाएगा, नहीं खाने का उसका ठिकाना, नहीं कपड़ा का ठिकाना, नहीं पानी पीने का ठिकाना है, वो बच्चा क्या भविष्य सोचेगा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास में लीक खींचते हैं बिल्कुल अपने कर्म से। और आज हम आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाने जा रहे हैं जो महादलित है और उसने एक इतिहास रचा है। और महादलित का वह बच्चा संघर्षों में पलकर सफलता का जो मुकाम गढ़ा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में 6 बच्चों को हासिल हुआ है, उसमें यह एक बच्चा है। आइए उससे बात करते हैं और जानते हैं कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसे रहा। हालांकि बहुत छोटा बच्चा है, अभी आप सामने देखिएगा, इसके उम्र भी ज़्यादा नहीं है। हम इसी से बात करेंगे और छात्रों जो जिन छात्रों को संसाधन मिल रहा है, जिन छात्रों के पास सब कुछ उपलब्ध है, जिनके माता पिता सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए तो यह एक बड़ा सबक है। हमारे साथ प्रेम हैं, जिन्हें अमेरिका के लफायट कॉलेज ने इन्हें 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति दी है। ये वहाँ जाएंगे, रहेंगे, ये ऐसे बच्चों को मिलता है जो देश की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रेम हमारे साथ हैं। प्रेम, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सर, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मुझे अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। हालांकि बहुत ही मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वो काफ़ी पिछड़ी हुई समाज है, और जिसे महादलित समाज भी कहा जाता है, जो कि वो उनके पास, हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो कि बाकी सब मतलब कि लोगों के पास होती है। यहाँ तो खाने पीने की बहुत ही दिक्कतें आती हैं, और जिसे हम गरीबी से जूझ रहे हैं वो काफ़ी मतलब कि मुश्किल है हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि इस गरीबी और इस शिक्षा अभाव समाज को मैं अपनी शिक्षा का योगदान करके उठान कर सकूं। देखिए कि ये थोड़ा सा अब पूरा दिखा दीजिए, ये टोला है महादलितों का। हमें लगता है यहाँ सरकारी लाभ भी लोगों को मैसर नहीं है, ठीक है ना। ये नाले, ये नहर है, क्या है ये बना हुआ है? यही जो बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी के बगल में आप सारे मकान, हाँ मकान को थोड़ा दिखा दीजिए। पानी आता कहाँ टाइम? हाँ चलिए। हाँ थोड़ा सा प्रेम, ये बताइए कि आप बचपन आपका यहीं बीता है? जी, मैं बचपन मतलब मेरा यहीं बीता है। जब भी मैं 6 साल या 5 साल का था तब तक मैं यहीं रहा। मैं यहीं पे मतलब कि एक मध्यम स्कूल होता का हुआ करता था, तो मैं यहीं पढ़ा करता था, नीम के पेड़ के नीचे अच्छा, बैठकर मैं पढ़ा करता हाँ, था हाँ, हाँ। और मतलब कि उससे पहले मेरी माता का देहांत हो गया था। साल के थे आप? उसमें मैं 5 साल का होऊंगा, तो उसमें देहांत हो गया। साल में माता जी एक्सपायर कर, हाँ वो ठंड के कारण वो हाँ, वातावरण हाँ, अनुकूल ना हुआ तो हाँ, वो चल बसे। तो मैं यहीं पर रहा, और मैं काफ़ी मतलब कि मेहनत कर खाना के मतलब मैं खाना भी पकाता था इसके लिए। तो खुद खाना पकाते? हाँ, खाना ही पकाता था। और लाइक कभी मतलब तो मैं मतलब कि ये भी किया हूँ। तो जब 2009 की बात है, जब मुझे ये पता चला कि कोई NGO है जिसका नाम शोषित समाधान केंद्र स्कूल है, और वो हमारी समाज के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और सभी रहने की व्यवस्था देते हैं, तो मैं वहाँ पर गया अपने दोस्तों के साथ। मेरी माता मिसेस कलावती देवी उस समय जीवित थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर मतलब लेकर गए, और उन्होंने मतलब कि जब जाने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्हें धान की बोरी भी बेचकर वहाँ मुझे पहुँचाए, और उन्होंने मुझे दाखिला वहाँ करवाया। और वहाँ हज़ारों बच्चे अप्लाई किए थे वो उस संस्था में एडमिशन पाने के लिए, लेकिन हज़ारों में से मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं वहीं पे लगभग मैंने 13 साल में प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा मैंने वहीं से पूर्ण किया, मतलब वहीं से मैं उत्तीर्ण हुआ। और अभी तक मतलब मैं अभी 12वीं जो मैंने किया है वो शोषित समाधान केंद्र स्कूल से किया है, जिसके फाउंडर JK सिन्हा सर हैं, जो वो गुजर चुके हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म की गई है। तो बचपन में खाना क्या बनाते थे? खाना जैसे चावल दाल हो गया, ये सब बनाते थे। बना लेते थे? हाँ जी, उस समय बना लेते थे। ये बहन है तुम्हारी? हाँ जी, मेरी बहन है। इसका नाम कंचन है, कंचन कुमारी है। कंचन नाम है तुम्हारा? हाँ। है?
तुमसे छोटी है बड़ी है? नहीं, छोटी है मुझसे। अच्छा, तब कैसा लग रहा है तुम्हें? बताओ, इधर देखो बेटा, बोलो बोलो। अच्छा, अरे नहीं, डांटिया नहीं, डांटिया नहीं। हैं, कैसा लग रहा है बाबू? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको भाई पढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। तुम पढ़ी हो? हाँ। कहाँ तक? किसी स्कूल में जाती थी? हाँ। अच्छा, और पढ़ने की इच्छा है इसको? अब तो तुम जी पार्ट कॉलेज जा, तुम जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो जी। तो अब ये जो हम आपसे जानना चाहे, ये क्या लिखा है आपके टी शर्ट? ये डेक्सट्रेटी ग्लोबल एक संस्था। ये क्या है? एक संस्था है जो माननीय शरद विवेक सागर सर जी, ये इनको मतलब ये सीईओ हैं और ये रन करते हैं। वो उन मतलब उन बच्चों के लिए कि जो भी मतलब यंग जो किड्स हैं वो ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन के थ्रू वो राष्ट्र का निर्माण कर सकें, ना वो सिर्फ अपने को, समाज को, और जो उनका जो मेन मुद्दा है कि आप राष्ट्र को कैसे अपनी शिक्षा से निर्माण कर सकते हैं। तो अच्छा, ये था। हाँ, तो बचपन में आप यहाँ से कितने साल की उम्र में आप चले गए शोषित समाधान? मैं जब 6 साल का था तब गया था। 6 साल में ही चले गए? हाँ। पिताजी आपके कहाँ हैं? यहाँ पर तो शायद अभी तो नहीं है। चले गए अभी? नहीं, आज आ रहे हैं। ये सब गांव के लोग हैं आप? जी हाँ जी, ये गांव ही के लोग। अच्छा, आप लोगों को आशा था कि ये अच्छा करेगा, ऐसा कुछ लगता था आप लोगों को? आशा कहाँ होती है, मैं अरे वो नहीं कह रहे, आप लोग सोचती थी कि हमारे गांव का बच्चा ऐसा करेगा? आज कैसा लग रहा है? ये कभी भविष्य में नहीं सोचता था सर। क्या सोचेगा कि एक गरीब का बच्चा इतना ऊंचाई पर जाएगा? नहीं खाने का उसका ठिकाना, नहीं कपड़ा का ठिकाना, नहीं पानी पीने का ठिकाना है। वो बच्चा क्या भविष्य सोचेगा आदमी? मगर बच्चा मेहनत किया, मेहनत के ऊपर उनको सफल मिला, वो आगे विकास किया। अच्छा, यही नहीं कह सकता सर? इसी गांव के हैं आप? जी जी। क्या नाम है आपका? राजू हुसैन। आपका बच्चा क्या करता है? दो चार ठो घास उस करता है, दो चार ठो पढ़ने जाता है बेसिक स्कूल में। अब तो ये इसको देख के आप... इनका हर्जन शिप से मिलता है ना सर, हम फॉरवर्ड में आ जाता, हमको कहाँ से मिलेगा शिप? अच्छा, और कोई बच्चा यहाँ का अच्छा किया है कि नहीं? ना अभी तक ले तो उतना अच्छा नहीं किया जो ये लड़का किया। अभी मेरी दीदी फर्स्ट बार है, मेरी दीदी अभी पढ़ रही है। दीदी है, दीदी है। और तुम्हारी बहन कहाँ है सर? सब एक वहाँ पर मेरी बहन है, एक यहाँ पर है। अच्छा, हम बात करें। मेरी 5 बहनें हैं अभी। अच्छा, एक ही विवाह हो गया और 4 अभी यही हैं। अच्छा, ये एक दो और कौन है? और कौन बहन है? एक बड़ी दीदी है पूनम, पूनम दीदी अभी आ रही है बुलाने के। अच्छा, वो आ रही है। चलिए थोड़ा सा हम आपका घर देखते हैं। बिल्कुल, स्टडी रूम देखते हैं, है ना जी? देखना देखना देखना, आराम से आइए। ये देखिए, इसी ये आपका घर है? हाँ जी, यही है। आइए आइए सर, जरा सा देखिए, ये इनका घर है प्रेम का। इसी घर में रहते हैं आज भी, यहाँ सर नवा करके। आप सोचिए कि किन परिस्थितियों में महादलित के बच्चे रहते हैं, और प्रेम ने जो मुकाम हासिल किया है वो इस मकान से नहीं, बल्कि जो पटना में कई अट्टालिकाएं हैं, कई ऊंची मकानें हैं, उनसे बहुत बड़ा मुकाम प्रेम ने हासिल किया।